क्या आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े सारे फ़ैसले खुद नहीं लेते हैं? क्या आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़े किसी भी फैसले को लेने के लिए किसी और की अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना सिन्हा और आज लेकर के आई हूँ ऐसे 3 आसान से तरीके जिसको कि आप अपनी ज़िंदगी में अपना करके अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी अच्छी चीज़ को देख करके, कोई बड़ी पर्सनालिटी को देख करके हमारे मन में ये आता है अंदर में कि वाओ, ये कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो ये जो हमारा टॉक है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ नेगेटिव टॉक, और इसकी वजह से हमारी सेल्फ इस्टीम कम होती रहती है। आपको कुछ भी पसंद है, मेरा यहाँ पे यही एक सजेशन रहेगा, इस चीज़ को ओवरकम करने का एक रास्ता है कि आप जिस भी सेक्टर में आपको लगता है कि हाँ, ये मुझे करने की इच्छा है, भले अभी लग रहा है कि आप उसको कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप वो काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने आप से उस चीज़ से जुड़े नेगेटिव टॉक को बंद कर दीजिए, उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करिए, उनके बारे में जानिए, उस चीज़ों को और समझिए, उसका नॉलेज लीजिए और आप भी वो चीज़ को धीरे धीरे स्टार्ट करिए। नंबर 2, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। फ्रेंड्स, हमारी तुलना खुद हमें खुद से करनी है। हम कल क्या थे, आज क्या प्रोग्रेस किया और कल कहाँ तक जाना है, हम खुद को कितना बेहतर आगे तक कर सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम खुद की तुलना किसी और से करके अपने आप को अंडरएस्टिमेट करें, ये बिल्कुल गलत है। इंसान सब सारे इंसान अलग हैं, यूनिक है, ऊपर वाले ने सबको अपना एक कुछ ना कुछ अलग स्किल दिया हुआ है, अलग खुद का यूनिकनेस दिया हुआ है, उनको उसको पहचानिए और उस पर वर्क करिए। नंबर 3, देर मत करिए। क्या होता है कि कोई अच्छी विचार आते हैं हमारे मन में, आज हम मुझे ये काम करना चाहिए या कुछ अलग करने की इच्छा होती है, लेकिन हम उसको ओवर थिंक करने लगते हैं, सही है या गलत है, अच्छा होगा या बुरा होगा, करूं ना करूं, या कुछ सजेशंस हम कई बार लेने लगते हैं। तो मेरा ये कहना है कि डोंट वेट। इच्छा आई, अंदर में कोई नया विचार आया, सही काम करने की कोई चाहत आई, उसको बस करिए, परफेक्शन धीरे धीरे आ जाएगा और उस चीज़ को करते रहिए। तो अगर मेरे ये सरल उपाय अच्छे लगे, आसान लगे, आप अपनी ज़िंदगी में इसको कहीं वैल्यू दे सकते हैं, आपकी लाइफ में इसको अपनाने से कुछ प्लस पॉइंट हो सकता है, तो वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।